नमस्कार दर्शक, न्यूज 27 ओडिशा चैनल को आपण मानको स्वागत करुची। मो स्वप्ना देखंतु रायगढ़ जिला खबर। सेकेंड आईआरबी आनको द्वारा द्वितीय पर्याय टीकाकरण। चैनल टी को प्रथम देखुले सब्सक्राइब करने को भूलु ना। प्रचार प्रसार पर गोटे लाइक कर अन्य को शेयर करूँ। आवश्यक स्थले कमेंट कर समाज को सचेतन करूँ। तांको दायित्व आम कर्तव्य जहाँ आपण निष्पत्ति। संपूर्ण खबर देखंतु। गुणपुर सब डिविजन भामिली सेकेंड आईआरबी आन बेतलियान को द्वितीय पर्याय टीकाकरण प्रारंभ हो जाइछि। As you are aware that today the total world is suffering from this pandemic of COVID-19. This process of giving this immunization, the process of inoculation to all citizens is a good step by government. And here in this Gurpur, earlier we had inoculated with the first dose, followed by the second dose today. All police personnel of Gurpur 2nd IR Battalion are here assembled for the second dose of inoculation. The arrangement is marvelous here by the Gurpur medical staff. The way they are inoculating the injection is more professional. All the staffs are very, very interested to promote this inoculation process of COVID-19. And having the as a result, we are facing a lot of confidence, which I am getting out of the body language of our all police personnel. So it's a very good process, and the step taken by the government is phenomenal. Second dose, जो नेउ जो कोविड में इंजेक्शन दो जो सत्य में से कोविड टीका करने पे आज संगा आयोजन है जी। कैसे जानो प्राय ये ठी उपस्थित थे वे वाले अपना। आज ही हम 90 जानो हम उपस्थित हो संगे ठी टीका ना। आगे एथिरे प्राय 90 जन जवान टीकाकरण पई भाग नैथिले। गुणपुर प्रखंड चिकित्सालय रु कोविड टीकाकरण टीम टीकाकरण निमन्ते सहयोग करथिले। एठारे उपस्थित थिले कमांडेंट श्री दिलीप कुमार महापात्र, डेपुटी कमांडेंट विधुभूषण उद्गत एवं डे कमांडेंट दीपक कुमार देहुरी। रायगढ़ जिला गुणपुर सुब्रत कुमार पंडा का रिपोर्ट, न्यूज 27 ओडिशा। अधिक खबर पई लॉगिन करंतु आम वेबसाइट www.news27odisha.com एवं यूट्यूब रे सर्च करंतु न्यूज 27 ओडिशा। फॉलो ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप।